मॉर्निंग सर। सुनिए कलेक्टर साहब आए हैं। ठीक है आने दो उन्हें। आप खड़ी होइए, वहां कलेक्टर साहब बैठेंगे। सर। हेलो सर। हेलो। वेलकम टू माय स्कूल। प्लीज बैठिए। सुनिए चाय कॉफी तो मंगवाइए मैडम। सरकार की तरफ से मुझे इसके लिए पैसे नहीं मिलते, अगर जरूरी है तो अपने पैसे से पिलाती हूँ। रहने दीजिए, इंस्पेक्शन के लिए आए हैं, हमारे साथ आइए। आप बिना बताए आए हैं। देखिए मुझे कुछ काम है, स्कूल में पढ़ाई चल रही है, आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं। चित्रा क्या हुआ गीता? आज का प्रिंसिपल कौन है? कयाल बिजी टीचर। जाओ उन्हें बुलाओ। ओके गीता। आप चेक कर सकते हैं, वो आपके साथ जाएगी। Good morning, sir. नमस्ते सर। नमस्ते। कैलवी मैं ही हूँ। ओह, आज की प्रिंसिपल? यस सर। चलिए मेरे साथ। चलो प्रिंसिपल की कंप्लेंट कलेक्टर को करते हैं। तू कंप्लेंट में कहेगा क्या? पहले हम कुर्सी तोड़ते थे और अब वो कहती है काम करो या फिर वो टॉफी चूसने नहीं देती। बेहतर होगा अपने काम पर ध्यान दे। रुकिए। कलम उधर इधर आओ। कहाँ ना इधर आओ। जल्दी करो। कहाँ जाना है तुम्हें? दिल्ली जाऊंगा मैडम। हाथ आगे कर। कैसे जाने वाले हो? एरोप्लेन से। अच्छा जाओ। अरे तुम तो चंडीगढ़ में रुक गए। छड़ी मुझे दो। अब किसकी बारी? लक्ष्मी तुम इधर आओ। तुम कहाँ जा रही हो? मैं ट्रेन से जाऊंगी टीचर। ये लो छड़ी। लड़कियां जीतने वाली है, तालियां बजाओ उसके लिए। अगली जगह विशाखापट्टनम है, तुम जहाज से जाओ। कलेक्टर साहब आए हैं। नमस्ते सर। ये लो टीचर। अरे अरे रहने दीजिए, आप बैठिए प्लीज। बैठिए ना, बैठिए। नहीं कोई बात नहीं सर। चलिए चलिए जाइए जाइए प्लीज। आप बैठिए, पढ़ाइए प्लीज, बैठिए। जी सर। कंटिन्यू कंटिन्यू। आप लोग यहीं रुकिए, बैठ जाइए। गीता रानी, बहुत सख्त हैं आप। आपके स्कूल के बारे में कंप्लेंट्स की एक लंबी लिस्ट आई है। डिपार्टमेंट आपको सस्पेंड करना चाहता है। बड़े ऑफिसर्स के मैसेज आए इसलिए मुझे खुद आना पड़ा। अब फाइल चेक करना चाहते हैं? मैं मंगवा दूं? रहने दीजिए। शुरू के दिनों में मैं भी आप ही की तरह था, इसीलिए मेरी बहुत ट्रांसफर्स हुई है। अब थक गया हूं। लंच करना चाहेंगे? जिसके पैसे मुझे अपनी ही जेब से देने पड़ेंगे। रहने दीजिए, मेरा टिफिन है। अपना ख्याल रखिएगा। सर आपने देखा उस औरत में कितनी अकड़ है? हाँ देखा ना, तभी तो वार्निंग देकर आया हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। मुझे लगा था इस साल मैं स्कूल का प्रिंसिपल बन जाऊंगा। स्कूल का प्रिंसिपल बनकर मुझे कितनी खुशी होती। पूरे एक साल मैंने कोशिश की कि यहाँ कोई प्रिंसिपल ना आए, लेकिन इस औरत ने यहाँ आकर मेरे सपनों को चकनाचूर कर दिया। अब तो मेरी नौकरी भी खतरे में है। बहुत दिनों से मैं ये सब सुन रहा हूँ। हमारे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, वो भी अपने शहर में। मैं अब और चुप नहीं बैठ सकता। उसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। कैसे शर्मा रही है? हाँ मैंने इसे कहा था मेरे पास आकर बैठ जा, लेकिन ये उसके पास जाकर बैठ गई। किस बात पे इतनी हंसी आ रही है? बस ऐसे ही गीता। कुछ नहीं गीता। क्यों हंस रहे थे इतना? ए तू बता ना,
आप हमारी दोस्त है, टीचर नहीं, सही ना? हाँ कहेंगी तभी बताऊंगी। ठीक है, बताओ मुझे। एक लड़का है जो हमारी बस में स्कूल आता है, वो इसे देखकर हमेशा मुस्कुराता रहता है। तो उसका मुस्कुराना तुम्हें कैसा लगता है? अब देखो ये भी मुस्कुरा रही है गीता। दिल में अजीब सी गुदगुदी होती होगी ना, भूख नहीं लगती, पढ़ाई में मन नहीं लगता, बिना वजह मुस्कुराती रहती हो। तुम्हारी उम्र में ये आम बात है, जिंदगी एक खूबसूरत सफर है, समझे? ये सब तो होता रहेगा, लेकिन खुद को संभालो। इस तरह की चीजों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, तभी कुछ बन पाओगी। अगर रुक गई तो जिंदगी का सफर खत्म हो जाएगा। अगर छोटे छोटे सोने के टुकड़ों को नजरअंदाज कर दिया जाए तो आखिर में एक बहुत बड़ा खजाना तुम्हारे हाथ लगेगा, जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसीलिए रुको मत, इस तरह की चीजों को नजरअंदाज करो और आगे बढ़ो, तभी तरक्की मिलेगी, समझी फराना? ठीक है, कल से मैं दूसरी बस में जाऊंगी। निकलो, जाओ। सुना नहीं? तूने बच्चों को भेजने से मना कैसे किया, वो भी हमारे इलाके में? क्यों, तू कोई महारानी है? हाँ ओए, दरवाजा बंद कर। ठीक है भाई। अरे ये सब क्या कर रहा है? इसे बताना पड़ेगा कि डर क्या चीज है। आदमी हो या औरत, जो भी हमारे खिलाफ खड़ा होता है वो हमें जिंदगी भर नहीं भूलता। ओए भाई, इसका थोबड़ा बिगाड़। दरवाजा खुलेगा? हाँ खुलेगा मैडम, जल्दी खोलो। सॉरी मैडम। एए, अरे चाबी किसके पास है? मेरे पास है। जल्दी दरवाजा खोल। बहुत स्ट्रॉन्ग औरत है, मार मार के थोपड़ा बिगाड़ दिया, बहुत मारा उसने, पूरा मुंह सुजा दिया। इसे भी पीट दिया? सीईओ ने बताया कि कलेक्टर भी उसके साथ है, तुम कोई ऐसी गेम खेलो कि पूरा शहर उसके खिलाफ हो जाए, बाकी मैं संभाल लूंगा। तुम ये काम कर पाओगे? मैं कर लूंगा सर। बेटा, मैंने लंच में बाहर बिरयानी खा ली थी, मुझे पता ही नहीं था कि तुमने मेरे लिए लंच बनाया होगा। बुरा मत मानना, तुमने तो खाना खा लिया ना। ठीक है, अब अपनी आंखें बंद करो। आंखें बंद की ना, अब जोर से सांस लो, अब ठीक है, ओके? बाय बेटा। ठीक है डैड, ज्यादा घूमिए मत, घर जाकर आराम कीजिए। अंदर आओ। घर पे मिठाई बनी थी। थैंक यू। कैसा लगा?
आपसे शादी करेंगी मैडम। क्या? मेरे दोस्त ने कहा था कि अगर आप ये मिठाई खा लेंगी तो आप मुझसे शादी करेंगी, इसलिए मैंने आपको मिठाई खिलाई। आपने खा लिया ना, आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं शादी करूंगी, लेकिन तुम्हें इंतजार करना होगा, पहले तुम बड़े हो जाओ, ठीक है? ठीक है। लेकिन ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच रहनी चाहिए। मैं किसी से नहीं कहूंगा। बहुत अच्छा। चल चल चल, उठ जा उठ जा उठ जा। चलो, आप इन बच्चों को रोकते क्यों नहीं? हम इस पचड़े में क्यों पड़े मैडम? आप झगड़ा रोकने से इतना डर क्यों रहे हैं? अच्छा होगा आप भी इसमें ना पड़े। बेवकूफ, बंद करो ये सब। मैंने कहा रुक जाओ। लोगों ने हमारे दोस्त को मारा है। टीचर, हम लोग ऐसे शांत नहीं बैठने वाले, हम लोग इनको मारेंगे। क्या कहना चाहते हो तुम? हमारी शादी, हमारे लोग। एक घंटे के अंदर इन लड़कों के हाथ से धागे निकाल कर जला दो। मैडम, ऐसा पंगा मत लीजिए, ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है। हम यहाँ दूसरे शहरों से काम करने आए हैं, इसमें उलझकर हम जान जोखिम में नहीं डाल सकते। जाइए और अपनी माँ के पल्लू में छुप जाइए। अगर इतना ही डर लगता है तो घर से बाहर मत निकलिए। लेकिन घर की छत भी तो सर पर गिर सकती है ना। किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े को बढ़ावा देना एक तरह का क्राइम है। आज तक ये बात आपको किसी ने सिखाई नहीं? जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। देखो वो हमें किस पचड़े में खींच ले आई है। अब हम इस औरत को स्कूल में एक कदम भी नहीं रखने देंगे। मैं आपको एक बात बताऊं मैडम, उस प्रिंसिपल ने बच्चों के हाथ से कास्ट बैंड को हटाकर जलाया है ना, उससे जात पात को मानने वाले लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में है मैडम। जात पात समाज से खत्म नहीं होगा, इसीलिए तो बर्थ सर्टिफिकेट से पहले कास्ट सर्टिफिकेट दिया जाता है। दूसरे देशों के लोग आज चांद पर पहुंच चुके हैं और हमारे यहाँ के लोग आज भी जात पात के नाम पर लड़ते ही रहते हैं, और हमारे ये नेता लोग हमेशा एक दूसरे को लड़वाते रहते हैं और उन पर राज करते हैं। देखिए भीड़ जमा हो गई मैडम, आज मैं भी उस औरत को देखना चाहता हूँ। सर, यही हमारे प्रिंसिपल हैं। क्या आप ही हैं प्रिंसिपल गीता रानी जी? हाँ मैम। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमारे सीनियर ऑफिसर्स आ रहे हैं, इसलिए फिलहाल आप स्कूल के अंदर तो नहीं जा सकती। वो मेरे खिलाफ नारे लगा रहे हैं, मैं ही उनसे बात। लेकिन अगर कुछ गलत हुआ तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। भैया पैसे।
खुश मैं जा रही हूँ, लेकिन आप लोगों से 3 सवाल कर सकती हूँ। लोग फंस गए सारे। क्या है तुम्हारे सवाल, पूछो। पहले उनसे सवाल करूंगी जो मुझे अच्छे लगते हैं, जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, और खासकर उन लोगों से पूछूंगी जो मेरे खिलाफ खड़े हैं। राज्य सरकार का पिछले साल का बजट क्या था? 1,90,00,000 रुपए, जिसमें से 70,000 करोड़ सरकार सैलरी और पेंशन इन दो चीजों पर खर्च करती है, जो पूरे बजट का 35% होता है। 18,00,000 तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, जिसमें टीचर्स भी है। इसके बावजूद आप रोते रहते हैं कि सुविधाएं कम है, सैलरी कम है, और कुछ टीचर्स तो बेकार की कंप्लेन करते हैं कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। लेकिन एजुकेशन का स्तर कितना बुरा है, स्टूडेंट्स को बेसिक चीजें नहीं मिलती, उन्हें तो ठीक से पढ़ाया तक नहीं जाता। सिस्टम में बदलाव जरूरी है, लेकिन आप लोगों ने इसके खिलाफ नारेबाजी की है। और हाँ नेताजी, आपके झंडे तो पूरे शहर में है, आपकी पार्टी के ऑफिस भी हर जगह पर है, लेकिन इससे अच्छा तो ये होता कि आप लोगों की बेसिक जरूरतों को पूरा कर पाते। लेकिन आप तो जाति के नाम पर लोगों को आपस में लड़वाते हैं और इसी से अपनी तिजोरी भरते हैं। अपनी जाति वाले कितने लोगों का भला किया है आपने नेताजी? आपकी जाति वालों को जितना रिजर्वेशन मिला है, उतने पैसों में तो कितने सारे बच्चे अच्छा एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। इतना नहीं तो कम से कम बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग दिलवाने के बारे में सोच लेते। अपने गुंडों और चमचों के अलावा किसका भला किया है आपने, बताइए क्या कहना है? तू मेरे खिलाफ मेरे लोगों को भड़काना चाहती है? एक सवाल और है। मुझे तेरे किसी सवाल का जवाब नहीं देना, मैं तुझ जैसी औरतों को जानता हूँ। चलो सब लोग। चलो चलो चलो। समझती क्या है, दिमाग खराब कर दिया। तुम हमेशा टीचर्स के खिलाफ रहती हो। मैं स्टूडेंट्स के साथ हूँ। अगर तुम लोगों ने अपना काम ठीक से नहीं किया तो सैलरी की बजाय तुम लोगों का नाम करप्ट लिस्ट में होगा। अच्छी तरह से सुन लो, 38 टीचरों के बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। जरा अपने हाथ ऊपर उठाकर बताओ कि कितने टीचर्स के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। जब आपको ये खुद पर भरोसा नहीं तो दूसरों को कैसे होगा? अब मैं अंदर जा रही हूं, जिसमें हिम्मत हो मेरे सामने आए।